अभिक है, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता है और विशेष सत्र में कोई माननीय सांसद संविधान के विपरीत विकृत मानसिकता के तहत ओछी टिप्पणी करता हो, तो ऐसे स्थिति में, और वह जब बीएसपी के सांसद हैं, चूंकि दलित विमर्श की पार्टी है वह, तो स्वाभाविक है जानबूझकर के लक्ष्य तय किया गया भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ने आपत्तिजनक निंदनीय टिप्पणी की। तो संसदीय दल के नेता आप हैं, क्या राजनीति की यही आप संस्कृति के आप वसुधैव कुटुंबकम का आप परिचायक बने हैं? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो इस पर नजरिया साफ करना होगा। मणिपुर की बेटी चित्कार करे तब नहीं जाएंगे, संसद के अंदर में अपमानजनक व्यवहार हो इस पर संसदीय दल के नेता की अब तक चुप्पी, सारी विपक्षी पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, तो स्वाभाविक है सवाल तो के घेरे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप आएंगे, जवाब आपको देना चाहिए। लालू यादव सहित उनके परिवार के 17 सदस्यों के खिलाफ जमीन के बदले रेलवे नौकरी घोटाले में समन होने पर सुशील मोदी ने कहा है कि ललन सिंह ने इतना मजबूत एविडेंस दे दिया है कि उनका बच पाना मुश्किल। देखिए माननीय सुशील मोदी जी से मेरा सवाल यह है कि आप तो केंद्र सरकार में हैं, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई के पॉलिटिकल आप ही स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। हमारा सवाल उनसे है कि 2017 में इस मुकदमे को बंद क्यों किया गया? अगर बंद किया गया तो उसका कारण क्या है, और सीबीआई सुविधा के अनुसार यह काम क्यों कर रही है? ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, अब तक वह जांच रिपोर्ट कहाँ है? तो सीबीआई जैसी संस्था का आप बिहार में भया दोहन के माध्यम से राजनीतिक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इस पर तो आप मंतव्य दे नहीं रहे और मुद्दे को आप भटका रहे। तो 17 में बंद क्यों किया और 23 में केस रीओपन क्यों किया, इसका जवाब आदरणीय सुशील मोदी जी दीजिए। महिला शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन इस पर राजनीति होने लगी है और विपक्ष एक मुंह से ओबीसी आरक्षण की, ईबीसी आरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता श्री मोदी विराज सिंह उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं दिया जा सकता। पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब राज्य के मुख्यमंत्री थे 2001 से 14 तक, तो उन्होंने महिलाओं को निकाय में हिस्सेदारी नहीं दिया, उन्होंने बेटी को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया, पुलिस बल में आरक्षण नहीं दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते। तो आशंका तो हमारी है, आशंका इसलिए मजबूत हो जाती है कि जिस आनन फानन में बिल पेश किया गया और पारित हुआ, चूंकि हम स्वाभाविक रूप से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्षधर हैं, तो आखिर शिक्षा का अधिकार कानून है, आप कक्षा 1 से 8 तक बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं, इस पर तो हमारी आशंका, जब शिक्षित ही आप बनने नहीं दे रहे हैं उनको, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो संविधान के प्रावधान के तहत उनको क्यों नहीं मिलेगा आरक्षण? बिहार मॉडल अपनाइए, देश का ये पहला मॉडल है कि समाज के पिछड़े वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य जाति हो या अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को हम लोगों ने आरक्षण दिया है पंचायत में। तो कौन सा ऐसा कानून है जिसके चलते आपको कोई रोक रहा है? यह तो जानबूझ करके 50% जो महिलाएं हैं उनकी हकमारी है। यह सवाल हम गांव गांव तक ले जाएंगे इंडिया गठबंधन के घटक दल, और सवाल आपसे यह पूछेंगे कि जब बिहार में यह लागू हो सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं लागू हो सकता है? भाजपा इसका जवाब दे। लालू